लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नहीं नहीं, मेरा हाथ मत काटो, मैं इन हाथों से अपने बाल बच्चों के लिए रोटी कमाता हूँ, मुझे छोड़ दो। ना रहेंगी ये उंगलियां, ना छपेंगी अखबार में सुर्खियां। अरे बाप रे, पुलिस इंस्पेक्टर अकेले मारने को आयला है कि मरने को? डीएसपी चरसिया, कल का अखबार क्राइम रिपोर्टर और उसका ये आर्टिकल आपने पढ़ा है क्या? जी हाँ, मैंने पढ़ा है। कल ये आर्टिकल पब्लिश हुआ और आज इस अखबार के प्रेस को मिटा देने की कोशिश की गई, ये दोनों बातें? इन दोनों बातों का आपस में कोई संबंध नहीं। पुलिस ये आइडेंटिफाई कर चुकी है कि प्रेस पर जिन लोगों ने हमला किया था वो आतंकवादी थे। आतंकवादी जिन्होंने ना सिर्फ इस शहर में बल्कि पूरे देश में आतंक फैलाया हुआ है। इसमें किसी भी लोकल गैंगस्टर का कोई हाथ नहीं। लेकिन अखबार के एडिटर ने तो कहा है कि उनके पास सबूत हैं। ये कहा था कि सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, सबूत के साथ कानून के पास आएंगे तो हम उनकी पूरी मदद करेंगे। फिलहाल हमारी नजर में प्रेस पर जिन्होंने हमला किया था वो आतंकवादी थे, जिन्हें हमारे एक जांबाज ऑफिसर ने मारकर भगा दिया। मीटिंग इज ओवर जेंटलमैन, लेडीज थैंक यू वेरी मच। वाह, कोई मरे तो आतंकवादी का नाम। अगर कल कोई केले के छिलके से फिसल जाए तो लोग कहेंगे आतंकवादी ने केला खा के छिलका फेंक दिया। कल मेरे बीवी का पेटीकोट फट जाए तो कहेंगे आतंकवादी का हाथ है। अगर मेरी चड्डी गायब हो गई तो कहेंगे आतंकवादी ने चड्डी गायब कर दी। आइए आतंकवादी नहीं तो है। कभी तो शांत हो जाकर। अरे कैसे शांत रहूं, मुजरिम को पकड़ते ने और कहते आतंकवादी, सबको मालूम है इसके पीछे किसका हाथ किसका हाथ है। अरे वो अपना भैरव, मेरे भाई से दुनिया कांप जाती, मौत पीठ दिखा को भाग जाती। अरे मौत के देवता मेरे कदमों में अपनी अपनी जिंदगियों की भीख मांगते। क्या रे भास्कर, अपने दारू के अड्डे का कलेक्शन बोल, पोजीशन बोल और नहीं तो अपोजिशन बोल। भैरव अन्ना, आजकल दारू का धंधा बहुत ठंडा है। वजह बोल, लफड़ा बोल, कौन किया कुंडा बोल। दारू के रेट्स आजकल बहुत बढ़ा दिए इसलिए। अरे अंधी अकल के, महंगाई बढ़ी तो क्या लोगों ने खाना खाना छोड़ दिया? जी नहीं अन्ना। तो फिर पीना कैसे छोड़ेंगे? थू तेरी जिंदगी पर। अरे क्या रे चित्र को, एक बार फिर से थू बोलिए ना। ले थू तेरी लिया। अरे सांगा, किडनी का कलेक्शन बोल, पोजीशन बोल, नहीं तो अपोजिशन बोल। भैरव अन्ना, मैं हर महीने 500 गरीबों की किडनियां निकाल कर बराबर सप्लाई कर रहा हूं। अरे शाबाश रे, शाबाश शाबाश। अतही का एक खटपट। तुला पण सर करते मी पांड्या, आलेच मी। ले बहन जी, हो गया क्या है रे? क्या हुआ क्या हुआ? नवा गिराक देख के डंडी मारता है? कांटा देखा ना, एकदम खड़ा है, ना इधर ना उधर। एक किलो टमाटर मंदी 15 इतर, ये 9 है, बाकी का किधर को गया? हमारा टमाटर बड़ा है। बड़ा है? मालूम है मालूम है, तेरा टमाटर कितना बड़ा है। चल दोन गाले चमंदी। आता है काय
देऊ का माना कलिया तू अजून चल चल टमाटर पसंद हो तेरा कला आगो वहनी तेरे को मालूम नहीं ये ऐसा चपट मारने वाला बहुत क्या मिलेगा डरने का नहीं होशियार रहने का बहन जी ये क्या कर रहे हो अरे जा रहे अरे लौकी तो दे दो तेरा नाम क्या है गंगू कोल्हापुरची हाउ डू यू डू ये तोरी दुकान है हो माजी माजी अच्छी है थैंक यू थैंक यू चलते अरे तू यूपी ची मंजे भोजपुरी नवा हम यूपी में है ना आज हम लड़के हैं नवा नवा वाले रात कुटे रात को क्या नहीं रात को नहीं रहता किधर को वो जो वो नीम का पेड़वा है ना उनके पीछे तीन गली छोड़ के चौथी गली के बाएं तीसरी गली के दाएं एक लाइटवा का लंबा खंबा है उस खंबे से दो ही हाथ में म्युनिसिपैलिटी का नलवा है नलवे के सामने एक चबूतरवा है चबूतरवा के सामने एक दुकानवा है छोटा सा उस दुकानवा के सामने हमरा घर का आंगनवा है बड़ा सा वाह क्या एड्रेस है पोस्टमैन सुनेगा ना तो नौकरी छोड़ के भाग जाएगा अरे इतना आसान है हमरा एड्रेस वा समझे ना एक मिनट समझावत है वो बस 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 बहुत मजा आएगा वाह खूब जमेगी हमारी दोस्ती फर्स्ट क्लास वो कौन है वो हाँ बल्लू की बहन बल्लू अपनी बहन से बहुत प्यार करता है प्यार तो हमरा सजनवा भी हमको बहुत करता है सजनवा मंजी वही लगनवा के बाद जो बनता है हस्बैंड वा सजनवा पति परमेश्वर नांग धरो सजना आइकलत का सुन वो है ना वो देख इस तरफ आ रही है सफेद साड़ी में जो आगे है वो पतली वाली लंबी वाली देख कैसे आ रही गुरी गुरी मालूम है कौन है हाँ कौन है मी सांगते वो है ना अंगार है अंगार आग की भट्टी आग की भट्टी उसका नाम है क्या नहीं मुझे कहा है उसका नाम है सावित्री भक्त नाव सावित्री बाकी काम गड़बड़ गड़बड़ क्या गड़बड़ वो है ना वो पुलिस वाला है ना पुलिस वाला हाँ उसने उसको रखा है क्यों रखा है मुझे कहा है वो जो रखते हैं ना रखेल की तरह रखेल रखेल वो है इस शहर में रखने रखने का भी चक्कर होता है हाँ वो है रखेल आपकी भट्टी हाँ जी चित्रगुप्त किधर घुमा रहा है कौन है रे ये बहुत बड़े पत्रकार है साहब ये वही पत्रकार है ना जिसकी कलम हमारे खिलाफ बहुत चलती आ रहे हैं जी हाँ साहब फोटो खींच इसका एक अभी खींचता हूँ भैरव तुम जो कुछ कर रहे हो ये सब जुर्म है क्राइम है अरे मैं क्राइम नहीं करता तो क्राइम ब्रांच बंद हो जाता ना रे पुलिस स्टेशन में ताले लग जाते हवलदार पुलिस इंस्पेक्टर कमिश्नर सब बेकार हो जाते अदालतें बंद हो जाती और ये जजा और वकील सब सड़क पर आ जाते और फिर अपना रोजगार की तलाश में क्राइम करते तो क्राइम कहां बंद होता है रे नहीं, नहीं। बहुत बोलता है संपादक चल पर संपादक जी आपकी बाता में बहुत दर्द है और सच्चाई भी बहुत है रे और सुना है कि सच्चे आदमी को गले लगाने से झूठे आदमी के कमीने आदमी के पाप थोड़े कम हो जाते हैं तो मुझे गले लगा लो अपने आप से प्लीज गले लगा लो संपादक जी आओ You are under arrest. मैं तुम्हें प्रेस में हंगामा कराने के जुर्म में लोगों को पकड़कर उनकी किडनी निकलवाने के जुर्म में और अब इस बेगुनाह की लाश गिराने के जुर्म में रंगे हाथ गिरफ्तार करता हूँ क्या बोल रहा है ये पुलिस वाला रे डरा दिया रे तूने मेरे को मेरे अंदर की हड्डियां हिल रही है रे भैरव को भयभीत कर दिया रे तूने लेकिन तू मेरे को गिरफ्तार नहीं कर सकता रे बाबा क्योंकि तू कानून का नहीं मेरा आदमी है रे तू मेरा आदमी है अगर कानून जुर्म के गले में हाथ डालकर यूं ही घूमता रहा तो हम आहिस्ता आहिस्ता सारा देश लूट लेंगे लूटेंगे रे बाबा काहे को नहीं लूटेंगे ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल गई तो देखना मैं इस कंट्री की क्या हालत करता हूँ सारी जनता हाथ में भीख का कटोरा लेकर घूमेगी
और हम घूमेंगे एयर कंडीशन गाड़ियां में। वो इंस्पेक्टर अजय वाली बात। अरे भाई चौरसिया इंस्पेक्टर बोले तो अजय को क्या बीमारी है? नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, नई नई वर्दी है, नया नया सिपाही है साला। उसने मेरी तीन गाड़ियां पकड़ डाली, समझा देना उसको नहीं तो साले की हड्डियों में भूसा भर दूंगा। यार प्रकाश तू यही सोच रहा होगा मेरी बीवी इतनी गंवार कैसे है? खबरदार मेरी बहन के बारे में ऐसा बोला तो। वाह बेटा अपनी पार्टी बदल ली तूने। अरे मेरी बहन बीए एमए पीएचडी एलएलबी वालों की छुट्टी कर देगी। तलवार की तरह सिर्फ जुबान ही नहीं दिमाग भी तेज है। हाँ पढ़ी लिखी नहीं है तो क्या हुआ? यार प्रकाश मेरी बीवी दूर के रिश्तेदार की बेटी है। मगर हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं। पुलिस ज्वाइन करने से पहले हम दोनों एक ही थाली के पेंदे थे। मगर खाने की थाली एक, बैठने की कुर्सी एक, सोने की दरी एक, मतलब बचपन से दो बदन मगर जान एक। सही है भैया सही है। लेकिन दुर्गा के खानदान में ऐसा विश्वास था जो इस खानदान में पड़ेगा वो मरेगा। दुर्गा के चार चाचा थे, पहले चाचा स्कूल में एडमिशन लेते लेते मर गए, और दूसरे चाचा स्कूल की घंटी सर पर टांग मर गए, तीसरे चाचा पढ़ते पढ़ते कुएं में गिर गए, और चौथा चाचा क्या हुआ पता नहीं ऐसे ही मर गए। होता है ना ऐसा? होता है। इसलिए हमारे दूर के रिश्तेदार ने दुर्गा को हमेशा पढ़ाई से दूर रखा, कहीं ये मर गई तो मेरा क्या होगा, तो मेरा क्या होगा, तो मेरा क्या होगा। ये सुन सुन कर हम समझ गए कि हमरा और इका क्या होगा। जवान होते ही ये मुझे बुलाने लगी। अरे सजनवा। हाँ सही है भैया सही है, नसीब वाला है तू, नहीं तो मेरी बीवी एमए पढ़ चुकी है लेकिन कोई फायदा नहीं, कभी नेल पॉलिश लगाने जाती है तो कभी तेल मालिश कराने जाती है, किसी को हाय कहती है तो किसी को बाय कहती है, जब मैं करीब जाता हूँ तो मुझे कहती है गुड बाय गुड बाय गुड बाय गुड बाय।